में हुई शेल कंपनी मामले में सुनवाई की तो हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। 3 जून को पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर आएगा फैसला। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट में करीब 4 घंटे इस मामले पर सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल ने नियम 4A, 4B और 5 का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सप्लीमेंट्री से जुड़ी दलीलों को दायर यहां पर किया और पेश किया उसे। हाईकोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाएगी कि मेंटेनेबिलिटी पर यह फैसला होगा सर हाईकोर्ट का। और मेंटेनेबिलिटी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद था सुनना। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करी और उसमें सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा और ऑर्डर रिजर्व हो गया। यह परसों माननीय न्यायालय ऑर्डर करेगी, ऑर्डर माने जजमेंट आएगा मेंटेनेबिलिटी पे। और बाकी जो याचिकाएं हैं 727 जो हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज वाला है और जो पूजा सिंगल वाला है मनरेगा स्कैम का, वो उसकी भी सुनवाई आगे होगी क्योंकि आज उस पर सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था उसी के हिसाब से केवल आज सुनवाई हुई है। मेंटेनेबिलिटी पे सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा है, जो शेल कंपनियों का निवेश का मामला उसी पे। अब इसको कल परसों इसका जजमेंट आना है। बाकी मामलों की वो सूचीबद्ध तो उस दिन रहेगा। सूचीबद्ध जो है वो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।